बिग बॉस देखने के लिए आप देख रहा हूँ बिग बॉस। तो कौन है आपके फेवरेट कंटेस्टेंट बताना चाहिए? इस बार तो काफी यूथ आया क्योंकि बिग बॉस 14 है तो ये 14 ही है, तो तीन लोगों के लिए 14 ही है। तो बिग बॉस 14 जो है वो चल रहा है जिसमें राहुल वैद्य भी मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गुड लुकिंग है। जान कुमार शानू ज़रा पंगे ले रहे हैं लेकिन सभी का एक साथ में, और जान इनका इनकी जान है, एक्सक्लूसिव है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस तो एक शो है, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो, बाकी तो आपको पता ही है सारे पैतरे। जान और राहुल के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहिए? भाई नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना ही चाहिए। आई सर पंकज जी, नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना चाहिए। जैसे आरडी वर्मन एसडी वर्मन के बेटे हैं तो मैं ऐसा नेपोटिज्म सलाम करता हूँ। हाँ, ग्रुपिज्म को मैं सलाम नहीं करता, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी नेपोटिज्म अगर एक बाप अपने बेटे के लिए, एक भाई अपने भाई के लिए कर रहा है तो अच्छी बात। राहुल वैद्य का गेम कैसा देख रहे हैं आप? उनके साथ भी काफी झगड़ा हुआ जैस्मिन के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? वैद्य को देख के मुझे एक ही बात कहना चाहूंगा, वैद्य हकीम खतरा है जान, खतरा है जान, वैद्य हकीम खतरा है जान। तो वैद्य और जान को समझ लीजिए, जोड़ लीजिए। और मेरे साथ में कल्याणी जैन वाला मेरा दोस्त आ चुका है, क्या बात है, महफिल छाई हुई और अभी महफिल के लिए हम तो अग्रसर हो रहे हैं। चलो धन्यवाद और एंजॉय, बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि क्या है कोरोना में बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं और एक दिन पहले कैंसिल हो जाते हैं लाइव शोज़। अभी परसों हिमांशु झुंझुनवाला ने मुझे एक शो दिया था, अब वो हुआ ये कि एक दिन पहले कैंसिल हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले जो आयोजक है उसको कोरोना हो गया। मैंने कहा भाई उसको हो गया होगा, बाकी लोगों का शो तो करवा सकते हैं, उसको बोलो घर पर आराम करें। बोले उसकी तीन शर्तें हैं, पहली शर्त ये कि पेमेंट अपने हाथ से दूंगा, दूसरी शर्त ये है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट को गले लगाऊंगा, और तीसरी शर्ट अपनी तरफ से थैंक्स का लेटर दूंगा। मैंने कहा भाई वो थैंक्स का लेटर नहीं होगा, मेरे लिए वेंटिलेटर होगा। मैंने कहा यार उसको तुम भगाओ, उसको तुम अपने साथ खड़ा मत करो। बोले वही हमारे प्रोग्राम का स्पॉन्सर है। मैंने कहा क्या कंपनी है उसकी? बोले प्लाज्मा की। तो ऐसे एक से बढ़कर मुसीबतें आती। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो अभी ट्रेंड शुरू हुआ है कोरोना का काल में, अच्छा बुरा जो भी हुआ होगा, बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी जल्दी चली जाए। लेकिन ऑनलाइन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वर्चुअल का जो शो शुरू हुआ, वर्चुअल शो शुरू हुए, उसमें ये ऐप जो नया लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है मीटिंग, माय मीटिंग, तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी मीटिंग है, ये मेरे लिए बन रहा है, हर कलाकार के लिए उपयुक्त है माय मीटिंग ऐप। और ये इसमें ये ऐप नहीं, ये सबके लिए ऐप है, मतलब मुझे लगता है सबके लिए फिट है, फिट एंड फाइन है। सो ऑल द बेस्ट, टेक रेस्ट, मिलते हैं अंधेरी बेस्ट, ठीक है। सुनील जी बिग बॉस कितना देखे? क्या चाहिए तेरे का, क्या चाहिए?